एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में मैं एक चॉकलेट केक की रेसिपी बताने वाली हूँ जो आपको स्क्रैच से बिल्कुल नहीं बनाना है, बट स्टिल ये बिल्कुल एक ओरिजिनल चॉकलेट केक की तरह लगता है, बहुत अच्छे से फूलता है और इंग्रेडिएंट्स बस तीन ही चाहिए। तो आइए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैंने लिया है यहाँ 240 ग्राम ओरियोज और नॉर्मल ओरियोज ले लिया है मैंने, और उसे मैं एक मिक्सर ग्राइंडर में या फूड प्रोसेसर में चला के पूरी तरह से पाउडर कर लूँगी। आपको क्रीम को नहीं निकालना है, क्रीम को इसी में रहने देना है। ये जो फैट का काम है, ऑयल का काम है जो केक में करता है, उस वो काम करेगा, तो क्रीम बिल्कुल ना निकाले। और मैंने जो पैक्स लिया है, दो ओरियो पैक 120 ग्राम ईच के लिए हैं। इसको प्रोसेस करके पूरी तरह से आपको पाउडर कर लेना है। ये देखिए, मैंने दोनों पैकेट को पूरी तरह से पाउडर कर लिया है। ये ओरियो पाउडर है बेसिकली। और यहाँ पे मैं एक गैस ओवन बना रही हूँ, एक कढ़ाई और स्टैंड लिया है, कवर कर दिया है मैंने और सबसे लोएस्ट हीट पे मैंने रखा है 10 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए। फिर एक क्लीन बोल लिया है, उसमें मैं अपना ओरियो पाउडर डाल लिया है। उसके बाद मैं ग्रेजुअली इसमें दूध डालूँगी। यहाँ पे मैंने लिया है करीब 3/4 कप दूध, और वो मैं डाल दूँगी धीरे धीरे। ज़्यादा वाटरी नहीं करना है बैटर को, तो आप चेक करते रहें। मैंने 3-4 बार में डाला है और करीब 3/4 कप के करीब दूध मैंने यूज़ किया है इस बैटर में। ये हो गए दो इंग्रेडिएंट्स, और तीसरा और सबसे मेन इंग्रेडिएंट इसका है बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा है वो 1 टीस्पून लिया है मैंने। और उसको आप तब इस बैटर में डालें जब आप इसको बेक करने वाले होंगे, जस्ट बिफोर बेकिंग आपको डालना है। और इसके बाद हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स लिया है, ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक 5 इंच का टिन ले लिया है, केक टिन 4 या 5 इंच का ले मैक्सिमम, ताकि केक को हाइट मिले। और इसके बाद मैंने बैटर डाल लिया है उसको ग्रीस करके, और ऊपर से मैं ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी। ध्यान रहे कि हाथ थोड़ा जल्दी चलाना है बेकिंग सोडा डालने के बाद। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स मैंने डाल दिए हैं, और अब मैंने जो प्री हीट करने के लिए ओवन रखा था वो प्री हीट हो चुका है, और अब मैं केक टिन को डाल दूंगी अंदर और इसे बेक करूंगी करीब 40-45 मिनट्स तक, एकदम लो फ्लेम पे, लो मीडियम फ्लेम पे भी कर सकते हैं आप। और ये देखिए 45 मिनट्स बाद मेरा केक बनके बिल्कुल रेडी है। स्क्यूअर डाला मैंने, क्लीन निकला है ये, और मैं हटा लूँगी अब इससे ओवन से, जो होममेड ओवन है उससे, और इसे पूरी तरह से ठंडा कर ले। एंड दैट्स इट, हमारा केक बनके बिल्कुल तैयार है। मैं अब आपको इसे अंदर से काट के दिखाऊंगी। कैन यू बिलीव, जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स और इतनी अच्छी चॉकलेट केक बनके तैयार हो गई है। कोई भी चॉकलेट क्रीम बिस्किट आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा है, बिल्कुल नॉर्मल जो मैदे से हम लोग केक बनाते हैं उससे। ये शॉर्टकट रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई करें एंड डू लेट मी नो। Signing off for today, guys. See you in my next video. Bye.